सो हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। तो फ्रेंड्स, अभी के वक्त इंस्टाग्राम के रील पे कुछ इस तरह का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। सो गाइस, आप इस तरह का वीडियो क्रिएट करके इंस्टाग्राम के रील पे अपलोड करते हैं तो गाइस आपका वीडियो वायरल हो सकता है। तो गाइस, आज इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि कुछ इस तरह का वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। एंड इससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं अपने चैनल पे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एडिटिंग सीखने के लिए आपको VN एप्लीकेशन चाहिए जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डाउनलोड करने के बाद में इस ऐप को आपको ओपन करना होगा। एंड ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड ये होने के बाद में आपको नीचे की तरफ प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर टैप करना होगा। एंड टैप करने के बाद में न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। एंड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर की तरफ फ़ोटोज़ पे क्लिक करना होगा। एंड आपको कम से कम 10 से 11 फ़ोटोज़ अपनी इस ऐप में एक्सपोर्ट कर लेनी है। 10 से 11 फ़ोटो अपनी इस ऐप में एक्सपोर्ट कर लेना। तो मैं फटाफट मेरी 10 से 11 फ़ोटोज़ इस ऐप में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एंड हमारी 10 से 11 फ़ोटोज़ इस ऐप में एक्सपोर्ट हो चुकी है। एंड ये होने के बाद में आपको अपनी फ़ोटोज़ का साइज टिकटॉक की साइज़ का जैसा रखना है 9x16 का रेशो रखना है। इसके लिए आपको ऊपर की तरफ ओरिजिनल दिख रहा होगा तो इस पर आपको टैप करना एंड स्क्रॉल करना। एंड ये आपको टिकटॉक जैसा आइकन दिख रहा होगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना एंड वापस उस पर क्लिक कर देना। तो ये होने के बाद में आपकी फ़ोटोज़ का साइज़ टिकटॉक जैसा हो जाएगा। तो ये होने के बाद में आपको अपनी फ़ोटोज़ के आगे आना है। एंड आगे आने के बाद में इस ऐप का लोगो आपको देखने को मिलेगा, तो इस लोगो को ऊपर आपको टैप करना एंड डिलीट कर देना है इसको। एंड ये होने के बाद में आपको दूसरा काम ये करना होगा कि आपको सबसे पहले अपना इस ऐप में ऑडियो एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो ये करने के लिए आपको टैप टू ऐड म्यूज़िक पे क्लिक करना होगा एंड वापस म्यूज़िक पे क्लिक करना होगा। एंड ये होने के बाद में आपको प्लस के ऊपर की तरफ प्लस का आइकन दिख रहा होगा तो इस पर टैप करना होगा। एंड ये होने के बाद में एक्सट्रैंड फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करना होगा। एंड मैंने आपको ऑडियो का लिंक दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से इसे डाउनलोड करके और एक्सपोर्ट कर लेना। तो मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ तो ये ऐसा आ जाएगा। ये होने के बाद में नीचे की तरफ आपको म्यूज़िक बीट दिख रहा होगा तो आपको इसके ऊपर टैप करना है एंड इसके ऊपर कम से कम 10 बीट लगानी है आपको। ओके, तो ये करने के लिए आपको बीट लगाने के लिए नीचे की तरफ बीट का आइकन दिख रहा होगा तो आपको टैप करना है इस तरीके से, तो आपकी बीट लग जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी बीट लगा लेना और आपको ये बीट का स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो फ्रेंड्स, ये होने के बाद में नीचे की तरफ राइट पे क्लिक कर देना है आपको, वापस एक बार राइट पे क्लिक करना एंड ये आपका म्यूज़िक इस ऐप में एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो ये होने के बाद में आपको दूसरा काम ये करना होगा कि आपकी वीडियो को जूम करना होगा। सो आप इस तरीके से अपनी फ़ोटोज़ को जूम कर लेना एंड जूम करने के बाद में आपको अपनी जितनी भी बीट है आपको उस अकॉर्डिंग आपकी फ़ोटोज़ को स्प्लिट कर लेना एंड अदर पार्ट है जिसको आपको डिलीट कर देना होगा। एंड हमारी फर्स्ट फ़ोटो स्प्लिट हो चुकी है। एंड ये होने के बाद में हमारी दूसरी बीट कुछ इस प्रकार है, कुछ दूरी पे। सो इसके लिए हमें हमारी सेकंड फ़ोटो को थोड़ा सा बड़ा करना होगा। एंड ये होने के बाद में हमारी नेक्स्ट फ़ोटो को थोड़ा ये बीट का अकॉर्डिंग रोकना एंड ये होने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्प्लिट कर देना एंड ये नेक्स्ट पार्ट है तो इसे डिलीट कर देना। सो ये होने के बाद में आपको आपकी थर्ड बीट पर आना एंड अपनी फ़ोटो को स्प्लिट
कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसका स्प्लिट का ऑप्शन ऑफ आ रहा है क्योंकि आपकी फ़ोटोज़ की लेंथ थोड़ी छोटी है, तो ये होएगा ऐसा। तो आप अपनी फ़ोटो को थोड़ा सा खींच लेना तो जिससे आपकी फ़ोटो स्प्लिट हो जाएगी। सो ये होने के बाद में आपकी फोर्थ बीट आएगी, तो आपको भी वापस ये काम करना है, उस अकॉर्डिंग आपकी फ़ोटो कट कर लेनी है। तो ये होने के बाद में आपको वापस एक बार थोड़ा सा इसको जूम करना होगा क्योंकि बीट हमारी अच्छे से स्प्लिट हो जाएगी, बीट के अकॉर्डिंग हमारी फ़ोटो स्प्लिट हो जाएगी। सो हमारी यहाँ बीट आ गई है, तो हम इसे स्प्लिट कर देते हैं। एंड हमारी नेक्स्ट फ़ोटो है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तो ये होने के बाद में आपको अपने नेक्स्ट बीट पर आना है एंड यहाँ पे स्टॉप करना है एंड आपको स्प्लिट कर देना है। सो हमारी यहाँ स्प्लिट हो चुकी है एंड उसके बाद में हमको कोई बीट नहीं दिख रही है। सो हमारी फ़ोटो की लेंथ थोड़ी सी बड़ा कर लेते हैं। सो हमारी बीट यहाँ आ चुकी है। सो हमें इस बीट पे स्टॉप करना एंड आपकी फ़ोटो को यहाँ रोक स्प्लिट कर देना। एंड ये होने के बाद में आपको सेकंड काम ये करना होगा कि आपकी नेक्स्ट फ़ोटो है तो उस फ़ोटो को आपको थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है। सो मैं ये काम कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ रोक लेना है हमारी बीट के अकॉर्डिंग एंड फ़ोटो को स्प्लिट कर देना है। सो फ्रेंड्स, आपकी जहाँ बीट है वहाँ वहाँ आप अपनी फ़ोटो को स्प्लिट कर लेना है। सो मैं फटाफट ये काम कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारी बीट के अकॉर्डिंग हमारी फ़ोटोज़ कट हो चुकी है एंड ये होने के बाद में आपका ऑडियो जहाँ तक है वहाँ तक आपकी लास्ट फ़ोटो को भी स्प्लिट कर लेना। सो ये होने के बाद में आपको आपका दूसरा काम ये करना होगा कि आपको अपनी फर्स्ट फ़ोटो पे आना है एंड इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको स्क्रॉल करना है एंड जूम वाले टूल पे टैप कर देना है। एंड ये होने के बाद में आपको जूम आउट दिख रहा होगा ऑप्शन, तो इस पर आपको टैप करना एंड नीचे की तरफ राइट पे क्लिक कर देना है। सो ये होने के बाद में आपको दूसरा काम ये करना होगा कि आपकी सेकंड फ़ोटो पे वापस आना है एंड ये होने के बाद में जूम वाले टूल पे वापस क्लिक करना है एंड जूम आउट पे वापस क्लिक कर देना है। सो ये होने के बाद में आपकी ये छोटी छोटी क्लिप दिख रही होगी, तो इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना एंड वापस आपको अपनी बड़ी वाली फ़ोटो दिख रही होगी, इस पे आना है एंड जूम वाले टूल पे आना है एंड जूम आउट इफ़ेक्ट डाल देना है इस पे। ये होने के बाद में आपको वापस अपनी छोटी छोटी फ़ोटोज़ दिख रही होगी, तो इस पे भी हमें कुछ भी नहीं करना एंड वापस बड़ी वाली फ़ोटो पे आना है एंड जूम पे जाना है एंड जूम आउट इफ़ेक्ट डाल देना है। ये होने के बाद में आपको ये काम करना होगा कि आपको अपनी जितनी भी स्मॉल छोटी छोटी फ़ोटो दिख रही है, सो ये फ़ोटोज़ आपको दिख रही हैं, तो आपको ये करना होगा कि आपको अपनी फ़ोटोज़ पर टैप करना, छोटी वाली फ़ोटोज़ पर, बड़ी पे नहीं, तो छोटी वाली फ़ोटो फर्स्ट फ़ोटो पर टैप करना एंड थोड़ा से इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना एंड एफएक्स टूल दिख रहा होगा। सो हमें इसको ऊपर क्लिक करना है एंड ये होने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड ये होने के बाद में जीटर डाउन नाम का एफएक्स दिख रहा होगा। सो हमें ये एफएक्स इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ओके, फिर नेक्स्ट फोटो पे जाना है वापस एंड एफएक्स में जाना है एंड वापस आपको वही एफएक्स जीटर डाउन नाम का इसको वापस आपको अप्लाई कर देना है एंड वापस नेक्स्ट फोटो पे जाना है एंड वापस वही एफएक्स जीटर डाउन अप्लाई कर देना है। सो हमारी बड़ी वाली फ़ोटो आ गई, तो इस पर हमें कुछ भी नहीं करना। सो वापस हमारी छोटी फ़ोटोज़ आ गई है, सो हमें वापस एफएक्स पे जाना है एंड वही जीटर डाउन नाम का एफएक्स इस पर यूज़ कर लेना है। मतलब आपकी जितनी भी छोटी छोटी फ़ोटोज़ है आपको सबके ऊपर यही एफएक्स जीटर डाउन एफएक्स अप्लाई करना है। तो आप फटाफट ये काम कर लेना एंड आपको कई प्रकार के यहाँ एफएक्स मिल गए, जो आपको पसंद हो वो अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स,
यू होने के बाद में आपको अपना नेक्स्ट काम ये करना है, आपको अपनी फर्स्ट फ़ोटो पे आना है एंड आपकी फ़र्स्ट फ़ोटो के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट फ़ोटो एंड सेकंड फ़ोटो के बीच में ये प्लस का आइकन दिख रहा होगा, सो हमें इसके ऊपर टैप करना है एंड टैप करने के बाद में स्क्रॉल करना है एंड ये होने के बाद में आपको जूम दिख रहा होगा, सो हमें ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सो ये होने के बाद में आपको अपनी किसी फ़ोटो पे ये अप्लाई नहीं करना है, फर्स्ट ओनली फोर आपको अपनी फर्स्ट एंड सेकंड फ़ोटो के बीच में ये इफेक्ट्स अप्लाई करना है। सो हमारा यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, तो एक बार मैं आपको ये ऑन करके दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने देखा हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया एंड अच्छे से भी बन चुका है, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर की तरफ एक्सपोर्ट दिख रहा होगा, तो हमें इसको पर टैप करना है एंड नीचे की तरफ राइट पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा।